जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। और ये पढ़कर आप इस वीडियो को क्लिक किए हो तो आपने बिल्कुल सही किया है। और आज मैं आपको 100% आपके कमेंट बॉक्स में, यदि आपने मुझे कमेंट किया तो आपका जन्म तिथि मैं 100% बता पाऊंगा, ये मेरा दावा है। जी हाँ दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति कैसे इस प्रकार जन्म तिथि बता सकता है। आप कल्पना करके देखो ना, इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे और वो जितने लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं जिस स्टेप को बताऊंगा उसके अनुसार, तो मैं उन सभी लोगों का, है ना, चाहे वो कहीं भी रहता हो, चाहे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कहीं भी रहता हो, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना रहता हो, उनका भी मैं जन्म तिथि बता पाऊंगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है, मैं जो भी स्टेप आपको बताऊंगा उन स्टेप को फॉलो करना है। एक भी स्टेप को यदि आप मिस करते हो तो सॉरी, मैं आपका जन्म तिथि नहीं बता पाऊंगा। लेकिन आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हो, एक एक करके देखते हो और एक एक स्टेप को फॉलो करते हो, कहीं पर भी मिस नहीं करते हो, तो निश्चित रूप से आज मैं आपको आपका जन्म तिथि बताऊंगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये हमारा जन्म तिथि कैसे बता पाएगा, क्योंकि ये तो यूट्यूब में बोल रहा है ना, वीडियो में बोल रहा हूं मैं, तो मैं आपका जन्म तिथि कैसे बता पाऊंगा। लेकिन हम दोनों के बीच, मतलब हम और आपके बीच एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। जी हाँ, यूट्यूब में एक कमेंट बॉक्स होता है, उस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझसे बातें कर सकते हो और मैं आपसे बातें कर सकता हूं, और आप लोग मुझे कमेंट करते हो, उसको मैं पढ़ता भी तो हूं। तो उसी कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपके डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपके जन्म तिथि को बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, 100% मैं आपका जन्म तिथि बताऊंगा। याद रखिए, इसके लिए आपको पूरे स्टेप करने हैं। यदि आपने कहीं भी स्टेप को छोड़ा या मिस किया तो इसमें परेशानी हो सकती है, ठीक है। एक बात और याद रखिए, आपको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग वाली सारी जो संक्रियाएं हैं इसमें कराया जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये गणित को इंटरेस्टिंग बनाने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसलिए दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार के गणित के जो ट्रिक होते हैं, गणित के जो जादुई ट्रिक होते हैं, उनको भी अपलोड करते रहता हूं, ताकि बच्चों में पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जागे। और ये मेरा हमेशा का आदत है कि मैं जब किसी क्लास में जाता हूं तो मैं हमेशा इस प्रकार के गणित का जो ट्रिक होता है उनको बच्चों को जरूर सिखाता हूं, ताकि बच्चे गणित से डरे नहीं, गणित से उनको क्या हो जाए, प्यार हो जाए, और गणित से उनको लगाव हो जाए, ताकि गणित के प्रति उनकी रुचि बनी रहे और गणित को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सके। इसलिए मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ साथ इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो भी आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बेहतरीन है, अच्छा है, मजा आ गया, तो इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को भी, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस गणित के जादू का आनंद ले सके, और अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको इस प्रकार के गणित के ट्रिक सिखाएं, ठीक है। तो आइए, आज मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाता हूं कि गणित के जादू कैसे करते हैं, ठीक है। याद रखिए, इसके लिए मैं आपको हर स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप को आपको करना है, और ध्यान दीजिए आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, और उस लास्ट में जो आंसर आएगा उसको मुझे कमेंट करना है, भेजना, बस अंक को भेजना है, उसके बाद मैं आपका जन्म तिथि उसी कमेंट के माध्यम से आपको बताऊंगा। और यदि लगता है कि आपका जन्म तिथि मैं सही बता पाया हूं तो एक लाइक तो बनता है, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो आइए हम यहां पर देखते हैं, मैं आपका जन्मतिथि यहां पर लिखा हूं, जन्मतिथि 100% मतलब 100% सही बताऊंगा, मतलब सही ही बताऊंगा, इसमें कोई क्लिक बेट नहीं होने वाला है, 100% ही सही बताऊंगा। और यहां पर मैंने पहले से लिख रखा है, वो भी आपके कमेंट बॉक्स में ही बताऊंगा, क्योंकि आपके और हमारे बीच तो कोई साधन नहीं है जिनसे मैं आपसे बात कर सकूं, तो हमारे पास एक कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो याद रखिएगा। अब देखिए, मुझे करना क्या क्या है ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, मैं आपका जन्म तिथि बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा ना, क्योंकि आप तो बाहर में हो, क्या आप मुझे कुछ भी संवाद कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, आप, मैं जो स्टेप बोलूंगा वो करना है, और जो लास्ट में डिजिट आएगा उसे कमेंट बस तो करना है, फिर मैं आपका जन्म तिथि बता पाऊंगा। ये देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो जन्म तिथि है ना, वो किस माह में हुआ है ना, उस माह को आपको गुणा करना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको एक सूत्र के रूप में बता रहा हूं, और याद रखिए इसमें गुना, भाग, जोड़ना, घटाना सब है, तो आपको बहुत मजा भी आने वाला है। ये देखिए, आपको क्या करना है, यहां पर आपका जो माह है, जिस माह में आपका जन्म हुआ है, उसको गुना करना है 5 से, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप, इसको हम छोटे कोष्टक में बंद कर देते हैं,
मैं आपको कोष्टक के प्रकार के बारे में भी बताऊंगा। फिर देखिए माह को गुना करना है पांच से, पांच से ही गुना करना है। आपका जिस माह में भी जन्म हुआ है, जैसे नवंबर में हुआ है तो आपको 11 गुना करना है पांच, ठीक है 11 गुना पांच। उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहां पर आपको जोड़ देना है 6 को, ठीक है ये आपने 6 जोड़ा है ना। अब मैं इसको उदाहरण में बताऊंगा। और ध्यान दीजिए ये छोटा कोष्टक होता है तो छोटा के बाद कौन आता है जी, ये आता है मंझला, ठीक है। तो आपको देखिए गणित के कितने बेहतरीन उपयोग हो रहे हैं यहां पर, आपने छोटा कोष्टक किया, गुना का उपयोग किया, प्लस का उपयोग किया। देखो आपने माह को गुना किया पांच से, उसके बाद उसमें 6 जोड़े, ठीक है क्यों। अब देखो मैं इसका लॉजिक भी सिखाता हूं कि जैसे माह को पांच से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और यहां पर 6 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पंच तत्व का जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा, इसलिए हमने यहां पर क्या कर दिया, 6 जोड़ भी दिया है। अगला देखिए, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो हमने जो मंझला कोष्टक लगाया है उसके बाहर में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर गुना करना है 4। वैसे गुना का चिन्ह लगाने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर गुना कर दिया है। अब यहां पर आपको क्या करना है, गुना मतलब इसका जो भी आंसर आएगा, जैसे 5 से गुना करेंगे माह को, आपके जो डेट ऑफ बर्थ वाला माह है उसको, फिर उसमें 6 जोड़ेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो भी आंसर आएगा है ना, उसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा 9, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद अब देखो अब कौन सा कोष्टक आता है जी, ये देखिए छोटा कोष्टक मतलब छोटा भाई, उसके बाद मंझला कोष्टक मंझला भाई, और मंझले के बाद कौन आता है, बड़ा भाई, यहां पर आता है बड़ा कोष्टक, ये देखिए। तो ये आपका हो गया बड़ा कोष्टक। अब आपने बड़ा कोष्टक भी लगा लिया, तो इन स्टेप को आपको बहुत सावधानी से करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बाहर में पुनः आपको गुना करना होगा 5 से, है ना, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि हमारे शरीर जो है पंच तत्व में लास्ट में क्या हो जाता है, विलीन ही तो हो जाता है। तो आपको लास्ट में 5 से क्या करना है, गुना करना है। तो इस प्रकार देखिए आपने सभी प्रकार के कोष्टक का प्रयोग करा और इस प्रकार के संख्याओं का प्रयोग भी करा। इसमें विशेष प्रकार की संख्याओं का प्रयोग किया जा रहा है, और ये वाला जो संख्या है ध्यान दीजिए, इसको इसको तो मैं गणित का प्रभु बोलता हूं, है ना, गणित का प्रभु। क्यों, अरे भैया ये 9 शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इन अंक के आधार पर ही गणित के बहुत सारे जादू होते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा जब हम क्या पढ़ते हैं, वैदिक गणित पढ़ते हैं, तो ये 9 जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इन्हीं के आधार पर हम बहुत सारे जादुई ट्रिक करते हैं। तो इसलिए इसको मैं क्या बोलता हूं, गणित के प्रभु बोलता हूं। आप मुझे कमेंट में गणित के प्रभु है ना 9 बस लिखेंगे, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन आज आपको ये वाला कमेंट नहीं करना है, आप ये कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट करना है जो मैं बोल रहा हूं। तो आपको क्या करना है, अपने माह जन्मतिथि माह को 5 से गुना करना है, फिर उसमें 6 जोड़ना है, फिर क्या करना है उसको 4 से गुना करना है, फिर उसमें क्या करना है 9 जोड़ना है। उसके बाद जो भी संख्या आएगा, मतलब यहां से यहां तक जो भी संख्या आया होगा इतना का, उसको पुनः गुना कर देना है 5 से। इसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा, इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, फिर एक आंसर आएगा, इस आंसर में आपको क्या करना है, आपके जो डेट ऑफ बर्थ है ना, डेट ऑफ बर्थ के केवल तिथि को, तिथि मतलब मान लिया जाए आपका जन्म जो है 14 जनवरी को हुआ है, तो आपको केवल 14 को जोड़ना है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को जोड़ना है, मतलब आपका जिस माह में जन्म हुआ है उसमें तारीख को जोड़ना है, माह को नहीं जोड़ना है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, तारीख को जोड़ेंगे। उसके बाद जो भी संख्या आएगा, यहां इतना करने के बाद, इतना स्टेप करने के बाद जो भी संख्या आएगा उसे ही क्या करना है, मुझे कमेंट करना है, उसे मुझे आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और इस कमेंट के आधार पर ही दोस्तों मैं आपको 100% आपका जन्मतिथि बता दूंगा। याद रखिए, अगर मैं नहीं बता पाता हूं तो मैं ये वीडियो डिलीट भी कर दूंगा, यदि मैं आपका जन्मतिथि नहीं बता पाया तो। अब ध्यान से सुनिए, इस वीडियो का आंसर भी मैं बताऊंगा, ठीक है, अगला वीडियो आएगा वो इसका आंसर भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, लेकिन आपको पहले इसी वीडियो के आधार पर मुझे कमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद का वीडियो आप बाद में ही देखिएगा, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो आपको कुछ भी मजा नहीं आएगा। तो आप मुझे कमेंट भी करिए
कि क्या आपको इसका आंसर चाहिए, यदि नहीं चाहिए और आपको केवल आपका डेट ऑफ बर्थ पता करना है बताना है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो मैं इसका आंसर भी बताऊंगा अगले वीडियो में, उसका वीडियो ये वाला वीडियो जरूर अपलोड होगा जिसे आप लोग जरूर देखिएगा। लेकिन पहले इस वीडियो का आप लोग क्या करिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब करना क्या है एक बार मैं डेमो बता देता हूं। जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति का जन्मतिथि है, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको पूरा आसानी समझ आएगा। जैसे मान लिया जाए किसी का 6 मार्च है, यहां पर लिख देते हैं 6/3 जो भी है, इसका मुझे सन से मतलब नहीं है ना, चलो 2014 ऐसा, तो मुझे इनसे मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, केवल इनसे मतलब है, क्योंकि मैं सन नहीं बताने वाला हूं, जन्मतिथि बताने वाला हूं, सन नहीं बताने वाला हूं। तो देखो इसका जन्मतिथि कब है, 6 मार्च को है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर देखिए पहला लिखा है माह से गुना करना है 5 को, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, माह कितना है 3, गुना किससे करना है 5 से, ये हो गया है ना, तो 5 गुना करेंगे प्लस यहां पर किसको जोड़ेंगे 6 को, फिर यहां पर देखिए मंझला कोष्टक का प्रयोग करें हैं, ठीक है। उसके बाद इसको 4 से गुना करना है, तो इतने स्टेप को पहले हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 दिया 15 प्लस 6 बराबर कितना हो गया 21, इतना आएगा 21 आएगा, इसको हल कर लेंगे। तो आप अपने जो माह है, अपने जन्मतिथि का जो माह है उसके अनुसार यहां पर आप क्या करेंगे, योग करेंगे, गुना करके योग करेंगे। उसके बाद देखिए इसको किससे गुना करना है, 4 से, तो जो आंसर आएगा उसको आपको गुना करना होगा 4 से, तो 4 से इसको जब मैं गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये देखो 84 आ जाएगा। फिर 84 में कितना जोड़ना है जी, देखो इतना जो भी आंसर आया उसके साथ किसको जोड़ा गया है, 9 को, गणित का प्रभु बोला गया है ना, इसको जोड़ना है, तो ये आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा 93। फिर 93 जो ये जो बड़ा कोष्टक दिख रहा है इसके अंदर जो भी संख्या है उसको किससे क्या करना है, 5 से गुना करना है, फिर इसको 5 से गुना कर दो आप, ये देखिए तो 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 दिया 15 का 5 आएगा, हासिल 1 आएगा, और यहां पर देखिए 9 × 5 = 45 और 1 = 46, ठीक है इतना। अब क्या करना है लास्ट में, आपको क्या करना है, जो जिस माह में आपका जिस तिथि को जन्म हुआ है उस तिथि को इसको क्या करना है, इसमें जोड़ना है, मैंने लिखा है ना, जो भी आंसर आएगा है ना उसमें आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को, तिथि बस को है ना जोड़ना है। तो इसका तिथि कौन सा था, ये देखिए 6 तारीख, माह वाला का उपयोग हमने यहां पर कर लिया, ये देखिए यहां पर हमने करा ना, 5 दिया 15, ये जो माह है ये देखो माह है, ये देखो इसका उपयोग हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो तिथि है उसको क्या करना है, इसमें जोड़ना है, मैंने लिख रखा है सूत्र में, तो आपको क्या करना है यहां पर 06 मतलब 6 को ही जोड़ना है। अब यहां पर जैसे आप जोड़ते हो तो 6 × 5 = 11 होगा, ठीक है, और हासिल 1 गया तो कितना आ जाएगा, 7 होगा, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो इस प्रकार जो आपका आंसर आएगा, ये देखिए इसे ही आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, और इस संख्या के आधार पर ही मैं आपका जन्म तिथि बता पाऊंगा। आप लोग को लग रहा है कि यह कैसे संभव है, क्योंकि हो सकता है कई लोग मुझे कमेंट करें, तो क्या उन सारे लोगों का मैं डेट ऑफ बर्थ जानता हूं, नहीं जानता हूं। हो सकता है वो व्यक्ति विदेश में भी रह सकता है, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में रह सकता है, तो उसका जन्मतिथि मैं कैसे बता पाऊंगा, लेकिन ये सब संभव है दोस्तों। जी हाँ, ये गणित के माध्यम से संभव है, और मैं आपको पहले भी बोल रखा हूं कि आप मुझे कमेंट करिएगा, और यदि आपको स्टेप एक बार समझ नहीं आए तो पुनः वीडियो को फिर से देखिए और संक्रियाओं को कीजिए, जो भी संक्रिया मैंने बताया उसको कीजिए, उसके बाद मुझे ये लास्ट का डिजिट है वो मुझे आप कमेंट करिए, फिर आपका जन्मतिथि मैं 100% सही बताऊंगा। एक बात और याद रखिए, यदि आपने संख्या गलत किया होगा, कहीं पे गुना भाग गलत किया है, तो भी मैं बता दूंगा कि आपने गुना भाग या जोड़ना गलत किया है, इतना भी मैं बता सकता हूं, ये मेरा दावा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मैंने जितने भी स्टेप बताए हैं वो बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। अब इस स्टेप को आपको पूरा करना है और मुझे कमेंट करना है, क्या करना है वो पहले से बता रखा हूं। ये जो लास्ट में संख्या आएगा उसे ही मुझे आपको क्या करना है, कमेंट करना है, और उस कमेंट के आधार पर मैं आपको आपके यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स हैं उसमें आपका आंसर दूंगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जब अच्छा कब लगेगा, जब मैं इसका आंसर दूंगा ना तब आपको बहुत बेहतरीन लगेगा, और लगे हाँ कि ये वीडियो तो बहुत बेहतरीन है तब उस समय लाइक जरूर ठोक दीजिएगा,
और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके घर में छोटे बच्चे हैं तब उन बच्चों को भी ये सब सिखाइए। और मैं पहले से बोल रखा हूँ, इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा, इसका मैंने पहले से थंबनेल बना रखा है, देखिए। और इस थंबनेल के आधार पर आपको आंसर भी मिलेगा कि मैंने आपका आंसर कैसे दिया। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आप जो है इस वीडियो में मैं मुझे जितना अधिक से अधिक कमेंट करते हो, तो उसके आधार पर ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जो बहुत बेहतरीन है। तो आप लोग यह कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं आपके अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, और दोस्तों आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको 100% अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है और आप हमारे चैनल में नए हैं तो, जी हाँ, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए और आल को टच कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, लेकिन मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकूं और अगला वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।